आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। बहन के साथ खटिया पर बैठे युवक को देखकर दो भाइयों ने की युवक की हत्या। सरावत के पास ग्राम में रहने वाले दो भाइयों ने अपनी बहन का अन्य युवक के साथ खटिया पर बैठे देखने पर घर पर शराब पीने आए युवक की बेल्ट और कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। वहीं घटना के बाद मृतक का शव आरोपियों के घर में ही पड़ा रहा, जहां आरोपियों की बहन ने मृतक के मामा को घटना की जानकारी दी। उसके बाद पुलिस ने आकर मृतक का शव सिविल अस्पताल भेजा और प्रकरण में जांच शुरू की। पुलिस को प्रथम दृष्टया मामला हत्या का ही लग रहा था, इसलिए खरगोन से फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सुनील मकवाना ने आकर घटनास्थल से कई अहम सुराग जुटाए। थाना क्षेत्र के ग्राम खंगवाड़ा में बीती रात 11 बजे मानकर मोहल्ले में अवैध शराब बेचने वाली बस्कर बाई बेवा पति बोंदर मानकर के घर लोकेंद्र पिता मांगीलाल खोदरिया 28 वर्ष निवासी खंगवाड़ा शराब पीने गया, जहां बस्कर बाई की बेटी भारती खटिया पर लेटी थी। लोकेंद्र भी खटिया पर बैठ गया। अचानक बस्कर बाई के दोनों भाई मुकेश और सोनू घर पर आए। लोकेंद्र को बहन की खाट पर बैठा देख आक्रोशित हो गए और गुस्से से आग बबूला होकर बेल्ट और कुल्हाड़ी से लोकेंद्र पर हमला कर दिया, जिसके बाद कुछ देर में ही लोकेंद्र की मौत हो गई। मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। मृतक के घर वालों को घटना की जानकारी देकर बुलवाया गया। उन्होंने डायल 100 को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद प्रभारी थाना प्रभारी शकुंतला डोडवे दलबल के साथ घटनास्थल पहुंची। हत्यारे मुकेश और सोनू को अभिरक्षा में लिया गया, शव का पंचनामा बनाकर सिविल अस्पताल भिजवाया। मृतक लोकेंद्र के चचेरे भाई अशोक पुनासिया ने बताया कि हमें रात को ही फोन पर सूचना मिली थी, बस्कर बाई के घर में खून से लथपथ लोकेंद्र की लाश पड़ी है। मौके पर बस्कर बाई, उसकी बेटी भारती, उसके बेटे मुकेश और सोनू ने ही लोकेंद्र की हत्या की। वहीं पुलिस आरोपियों से घटना के संबंध में पूछताछ करेगी। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। कल दिनांक 5/4/2021 की बात है, रात्रि करीब 11 बजे के आसपास की घटना है ग्राम खंगवाड़ा की, जिसमें लोकेश नाम का गुजर है, वो आरोपी मुकेश और सोनू के घर शराब पीने गया हुआ था, पहले से ही बैठा हुआ था। तो शराब पिए के दौरान जैसे ही माँ उनकी खेत तरफ गई बाहर अपने उसमें बाथरूम के लिए, इसी दौरान इनने उनकी बहन के साथ छेड़छाड़ की और उन्होंने छोटे भाई ने उनको देख लिया। इसी बात पे उन्होंने भाई ने और बड़े भाई ने मिलके इसको लात गुस्से से और बेल्ट से मारपीट करके ना उसकी हत्या कर देना प्रथम दृष्टया पाया गया। और आरोपी की बहन ने मृतक के मामा को सूचित किया कि मेरे भाइयों से इनका झगड़ा हो गया और उसकी हत्या हो गई है। इसकी सूचना उसके मामा दिनेश ने थाना सनावद में रात्रि में ही दी। यहाँ से पुलिस बल पहुँचा, पुलिस बल ने पूरी मौके की कार्रवाई की और उसका आज सुबह पोस्टमार्टम किया। प्रकरण 302 के तहत पंजीबद्ध कर लिया गया है और प्रकरण विवेचना में। आरोपी गिरफ्तार? हाँ, आरोपी दोनों अभी रक्षा में हैं।